पहली बात तो भारत हमारी धरती माँ और धरती माँ का आइकॉन यानी सर्वश्रेष्ठ। सो जो सर्वश्रेष्ठ खूबसूरती, सर्वश्रेष्ठ ब्यूटी और सर्वश्रेष्ठ पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भारत को रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड वाइड और जो भारत का नाम हो, भारत की शान हो और भारत की आन बान और ऐसा चरित्र, ऐसा व्यक्तित्व टाइम में होती है वो लाइफ में जब मिसेस बन जाती है तो कुछ नहीं कर पाती है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है किचन टू रैम, किचन में रहती हैं तो उसको रैम का भी एक शौक होता है तो उसको हम एक उसको कंप्लीट करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है जो भी टैलेंटेड है उनके लिए, बहुत ही एक स्पेशली ऑल दोस लेडीज हु आर मैरिड, उनके शादी के बाद किचन को छोड़ के जैसे उन्होंने बताया कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत ही सराहनीय। वंस अगेन माय कांग्रेचुलेशन कॉम्प्लीमेंट्स और सारा मैं चाहूँगा कि पूरे यूएसए में भी ये आ जावे टाइटल और वहाँ भी ये कंटेस्ट हो जावे एज ए फ्रेंचाइज, लाइक जैसे मैकडोनाल्ड की होती है वैसे यूएसए में इनकी फ्रेंचाइज हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि हर एक जन का एक सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, खाली रैंप पे चलना नहीं, यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाएगी उसको लेडी का ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लाइफ में, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू डील विद द सिचुएशंस एंड शी कैन मेक हर ओन करियर अदर देन द ब्यूटी ऑल्सो, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और ये आइकॉनिक अवार्ड है जो पूरा बम्बई राह देख के बैठा है, अगर इसके पंख अगर फैलाते इंटरनेशनली जैसे भरत जी ने बताया तो ये एक बड़े पैमाने पर एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ऑल द बेस्ट टू अखिल बंसल जी एंड द टीम, थैंक यू। जी क्या कहेंगे, बहुत खुश है यहाँ पे आकर, ये मेरा पहला साल है भारत आइकॉन में, थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड मिस्टर विवेक गुप्ता जो डिज़ाइनर है जिनका ये कपड़े मैंने पहने हुए हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स इनके कपड़े पहने हुए हैं, तो मेरी फर्स्ट एसोसिएशन है भारत आइकॉन के साथ। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल टू बी हियर। ये मेरा दूसरा बार है जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, भारत आइकॉन जब सीज़न टू हो रहा था तब मैं पहली बार यहाँ आया था, लास्ट टाइम भी बहुत मज़ा आया था, इस बार तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मिस्टर भारत आइकॉन भी हो चुका है, शायद मैं भी आ जाऊँ उसके लिए, बट पिछली बार से आई एम श्योर ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और मैं आयोजकों को खास अभिनंदन देता हूँ और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे ऐसे शुभकामना करता हूँ। थैंक यू सर। अभी ये नवी मुंबई के जो सबसे बड़े बिल्डर है इकोनॉमिस्ट टाइम्स में सर को अवार्ड मिला है तो ये हमारे गौरव की बात है कि सर इतना अपना टाइम निकाल के इतने पार्टिसिपेशन है, उनको सबको बेस्ट विशेस है। Really glad that I'm part of Bharat Icon and thank you so much Akhil ji for giving me this opportunity and I was looking for this platform and very very excited today to be performing here on stage with all the beautiful people out here. Promote beauty with the brains. So women are beautiful, they are always considered beautiful and talent in the woman and they want to see the beauty with the brains that so that the best potential and all the aspects of the woman, the beautiful aspect and the intelligent aspect, both the aspects come out. This is I think for newcomers it is a very good show. Akhil ji ko bahut bahut dhanyawad, क्योंकि बड़े अवार्ड्स तो बहुत होते हैं लेकिन जो न्यू कमर्स होते हैं पूरे इंडिया से, खास करके महाराष्ट्र से, गुजरात से, एमपी से जो नए बच्चे हमारे आते हैं और अपने आगे जाने के सपने देखते हैं उनके लिए अवार्ड बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ आई थिंक थर्ड ईयर ऑफ दिस भारत आइकॉन अवार्ड बोथ फॉर मिस्टर एंड मिसेस। या फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस तस्नीम, शी हैज़ ड्रेस्ड अप मी सो ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल, या इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई एम लविंग दिस एंड थैंक्स टू स्टार मेकअप दे हैव मेड मी लुक ब्यूटीफुल अगेन, सो थैंक यू सो मच टू ऑल बोथ ऑफ देम एंड फॉर भारत आइकॉन सुपर एक्साइटेड, वी हैड अ ग्रेट इंटरेक्शन विद स्मिता मैम एंड शी इज़ एम्पावरिंग ऑल द गर्ल्स टू टेक इट फर्दर एंड एम्पावर देमसेल्फ इन देयर लाइफ, सो वी आर हैविंग अमेजिंग टाइम इन साइड, I'm missing that right now. Okay. You should come along with me inside. So it is an amazing experience to be part of Bharat Icon and thanks to Mr. Akhil Bansal for giving us opportunity to present our talent here. So it's a wonderful experience here. Thank you and best wishes for your future. Hello friends, I'm Sunny Agarwal, filmmaker, fashion groomer और मैं associate director हूँ भारत आइकॉन का और all over India हमने इस show के लिए auditions लिए, काफ़ी tough था, इतने खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल मिस एंड मिसेस को चूज़ करना और आज हमने काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से ऑडिशंस लिए और फाइनलिस्ट आज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। कितना डिफिकल्ट होता है सर अगर कंपटीशन लेवल इक्वल है तो उसमें से पार्टिसिपेंट निकालना, कास्टिंग करना, कितना डिफिकल्ट होता है सर? बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना ईजी नहीं होता है और कॉम्पिटिशन तो काफ़ी टफ था और वुमेंस इतनी ब्यूटीफुल है
बहुत ब्यूटीफुल वुमेंस का उसमें से एक को चूज़ करना और यहाँ पे फिनाले पे लेके आना, वो टफ होता है।